अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी आलू पकोड़े की रेसिपी। अभी रमज़ान भी आने वाले हैं, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए, अब हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। आलू के क्रिस्पी और मज़ेदार पकौड़े बनाने के लिए हमें जो जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो है इधर हमारे पास स्लाइस में कटे हुए आलू, इधर है हमारे पास बेसन, इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए हमने थोड़ा सा इधर लिया है कॉर्नफ्लोर, इधर हमारे पास है ऑयल, केचप, और मसालों में हम यूज़ करेंगे कुटी हुई मिर्चें, नमक, सोडा, ज़ीरा, और टेस्ट को मज़ेदार बनाने के लिए हम थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसन के अंदर अपने सारे मसाले ऐड कर देंगे। अलावा हम इसी के अंदर साथ साथ कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर देंगे। अंदर वाटर डाल रहे हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने बेसन को अच्छी तरह से फेंट लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। और अब हम अपने आलू को बेसन के अंदर डिप कर देंगे। तो हमने अपने आलू को बेसन के अंदर डिप कर दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमने अपना तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम अपने पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इधर लाइट ब्राउन कलर आ गया है पकोड़ों का, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर मैंने अब पकोड़े पकाए हैं। फुल फ्लेम पर पकोड़े जल भी जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमारे क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े हो चुके हैं रेडी। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।